हैई दिस इज़ कामिल एंड यू वोचिंग कैम डिज़ाइन तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को आर्क रेक्टेंगल और एलिप्स के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि मैं अपनी क्लास में आप लोग को आप लोगों को प्रैक्टिस शीट करके दिखाऊंगा ठीक है उसी पर्टिकुलर जो हमने सीखा था उसी के अकॉर्डिंग तो वो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी जिस वजह से मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस शीट करके टुटल दूंगा तो जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू तो गेट ट्रिपल टी और वीडियो अंत तक जरूर देखें तो सो विदाउट एनी लेट्स गेट स्टार्टेड स्टार्ट दिस वीडियो सो वेलकम टू ऑटो 2022 तो मैंने अपनी ऑटो पैड को खोल लिया है अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने दो ड्राइंग कही है तो दो ड्राइंग बताने से पहले मैं आप लोगों को एक कमांड बताऊंगा जो कि मैं इसमें यूज़ करूंगा वैसे मैं इसमें दो तीन कमांड जो यूज़ करूंगा जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं तो मैं एक कमांड बता देता हूँ जो काफ़ी यूजफुल है जिसके बिना आप इस ड्रॉइंग को जिस तरह मैंने बनाया है वो कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे बाकी दो तो आप कर सकते हैं किसी ना किसी तरह से मैनेज करके तो मैं दो वो कमांड अभी बताने वाला नहीं था मगर मैं इस जरूरत की वजह से इसमें बताऊंगा मान लीजिए आपने लाइन कमांड इस तरह से कुछ ड्रा किया है ठीक है इस तरह से इस तरह से, इस तरह तरह से से कुछ ड्रा किया है ठीक है अब आप चाह रहे हैं कि ये जितना बाहर निकल गया यहाँ यहां से वो डिलीट हो जाए तो अभी आप इसको करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा सेलेक्ट हो गया पूरा मगर आपको केवल इतना जितना बाहर निकला है इसको डिलीट करना है ठीक है तो उसके लिए कौन सा कमांड है टी आर बैक स्पेस ट्रिम ठीक मैंने क्या किया टी आर लिया स्पेस बार क्लिक किया ठीक तो यहां से भी आप ट्रिम कमांड देख सकते हैं ये भी ट्रिम कमांड है मॉडिफाई में ट्रिम कमांड है क्योंकि ये सारे मॉडिफाई कमांड है ही हैं ठीक है थीके? तो ये मैंने बता दिया ट्रिम तो इसका यूज मैं अभी आगे, आगे करूंगा तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस शीट ठीक है तो पहली वीडियो जो पहला जो हमारा ड्राइंग है डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है आप डिस्क्रिप्शन से जाके उसको सेव कर सकते हैं इमेज या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उसको खोल के ओपन करके प्रैक्टिस करें जिस तरह से आपको सूटेबल हो उस तरह से कर सकते हैं मगर वो आप ध्यान दीजिएगा जो तो मैं बनाऊंगा उस पर ठीक है मैंने लाइन कमांड लिया पॉइंट स्पेसिफाई किया 85 दिया उसके बाद 85 ऐसे दिया उसके बाद मैं बार आ गया, ठीक है अगर आप ड्राइंग ने, आपने ड्राइंग खोल रखी होगी तो आपको दिख रहा होगा अब मैं क्या करूंगा एक्सिस एन वाला इलिप्स लूंगा इसके एक पॉइंट पे क्लिक करूंगा और लेंथ दूंगा फिफ्टी ठीक वो पाँच हो गई फिफ्टी और ये दूंगा मैं टेन ठीक है तो ये हमारा इलिप्स खींच गया अब दूसरे सिमिलर मैं यहाँ पे ही लूंगा क्लिक किया फिफ्टी दिया और टेन ये मैंने दोनों खींच लिया अब इसको देखो जो मैं करने जा रहा हूं उसका दो तरीका जो जिस तरह से मैं पहले करूंगा उस तरह बता रहा हूं और बाकी आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा मैं तो इसके कोऑर्डिनेट पे आइए क्वाड्रेंट पे, और इसके क्वाड्रेंट पे आइए और यहाँ पे आइए क्लिक करिए इसको क्वार मिला दीजिए ऐसे खींच लीजिए अगर आप इस तरह खींच सकते हैं तो अगर आप इस तरह नहीं खींच सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइन कमा लीजिए इसके क्वाड्रेंट पे आइए एकदम सीधे चले जाइए ऐसे फिर इस पर क्लिक करिए चले जाइए सीधे ठीक अब जो अपने मैंने टीम कमांड बताया उसको लीजिए टी आर और ये दोनों कर लीजिए तो दोनों तरीके हैं आप जिससे कंफर्टेबल हो उस तरह कर सकते हैं तो ये मैंने कर दिया उसके बाद फिर लाइन कमांड लिया इसके क्वार पे गया इसके क्वार पे गया सेम चीज यहां पे भी जिस तरह भी आप सुटेबल हो ठीक है ये कर दिया हमने टी आर क्लिक 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 ठीक उसके बाद फिर लाइन का मान लिया हमने कॉर्नर पे किया शिफ्ट होल्ड किया और यहाँ क्लिक किया तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया किसी पाइप का एल शेप एल्बो लग रहा है ये अब अगर डायमेंशन दिखाना है तो क्या डी एल आई इन्हीं डायमेंशन के लिए फिफ्टी है ये ये हमारी एट्टी फाइव है ठीक ऐसे यहां की भी डायमेंशन आप शो कर सकते हैं ठीक और ये कितना है ट्वेंटी तो ये सारी मैंने डायमेंशन दिखा दी ठीक है अब दूसरी ड्राइंग पे हम आते हैं दूसरी ड्राइंग हमारी जो है उसमें हमारा सर्कल का, का काम है सर्कल का पाउंड सी लिया तो सी हमें यही चाहिए हमें हमें यहाँ से एक स्पेसिफिक सर्कल चाहिए वो भी डायामीटर वाला ठीक है जिसे सर्कल में जो दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग में सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया डायमीटर 95 फाइव है 95 फाइव का सर्कल लिया फिर हमने क्लिक किया क्वाड्रेंट पे आया यहाँ एलोकेट से किया सेंटर पर क्लिक किया वन वन जीरो ठीक फिर वही सर्कल लिया फिर इसके क्वाड्रेंट पे आया फिर यहां से सेंटर एलोकेट किया 148, ये मैंने खींच दिया अब जो इलिप्स का काम पड़ने वाला है वो हमें पढ़ने वाला है सेंटर वाला इलिप्स तो इसका सेंटर हमें पता है ये है और ऊपर की डिस्टेंस कितनी है 138, 138 और ये कितना है जितना इसका आउटर सर्कल का डाया है ये ठीक ये हमने किस दिया अब इस पे आप देख रहे होंगे फिगर में कि इस पे एक स्क्वायर ऊपर बना है एक यहां स्क्वायर बना है तो उसको हम बना लेते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है जितनी डिस्टेंस पे स्क्वायर बना हुआ है उससे एक डिस्टेंस मारिए यहाँ हंड्रेड की ठीक और एक डिस्टेंस यहां मारिए हंड्रेड की ठीक है ये हमने बना दिया अब हम रेक्टेंगल बनाएंगे आर ई सी रेक स्पेसिफाई किया डायमेंशनली ट्वेंटी नाइन इंटर ट्वेंटी नाइन इंटर ये हमारा सर्कल रेक्टैंगल या स्क्वायर खिंच गया इसको हमने सेलेक्ट किया अब इसको हम मूव कमांड से मूव कराएंगे ये हमने लिया ठीक इसी की कॉपी ले लेंगे हम या तो दो दोबारा भी आप बना सकते हैं ठीक ये हमने ले लिया इसका एक और तरीका है करने का मान लीजिए मैं डिलीट करता हूं इसको डिलीट किया और इसको सिलेक्ट किया एम आई मिरर किया एक्सेस डिफाइन किया हमने ठीक नो no. तो ये हो गया अब इन सारी में भी आप ओ, वो आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या डायमेंशन है उसमें मैं नहीं जाऊंगा तो आज की वीडियो में ये ड्राइंग थी आप इसको ड्राइंग को प्रैक्टिस करें जहाँ भी आपको नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं और आज की वीडियो में ही समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद